आज हम लोग जा रहे हैं मेहताब का एग्ज़ाम कराने के लिए और इसकी इस कंडीशन में भी हम लोग रेडी हैं। जैसे कि लड़का आप देख सकते हैं ये पूरी प्रिपरेशन करके आया है एग्ज़ाम की और ये महान इंसान है। किससे लगा भैया? औसम है, खाली औसम है। सुबह उठा नहीं तू, फोन करना पड़ता है तेरे को, सो जाता है। तो भैया जैसा कि आप जानते हैं हमारे अक्रम भैया काफी लेट उठते हैं, बहुत ज्यादा लेट उठते हैं क्योंकि रात को 2 बजे तक इनकी ड्यूटी रहती है। 2 बजे तक बातें करने के बाद फिर ये सोते हैं, तो 6 बजे उठने का सवाल ही नहीं। तो मैंने इनको फ़ोन किया और फिर ये उठ के इनको मुझे ले फिर मुझे इनको लेने जाना पड़ा इनके घर। झूठ तो मत बोल रहे। मैं क्या झूठ बोल रहा? लेने में नहीं आया था तेरे को? अरे क्या, हम लोग तेरे को लेने गया था। मैं लेने आया था और फिर मेहताब को मैंने फ़ोन किया कि भाई पेपर है तेरा, उठ जा क्योंकि तुमने फोन नहीं किया था। भाई देखो मैंने फोन किया था, मैं 4 बजे उठा था, 4 बजे तुम 4 बजे उठे। हाँ क्या झूठ बोल रहा है लड़के? मैं गेम खेल रहा था, फोन नहीं दिया। तो फोन तेरा बिजी क्यों आ रहा था? पबजी खेल रहा था भाई, पबजी तो मैं लगा था। ओह नॉट डिस्टर्ब पे कद्दू लगा था, कद्दू लगा था। सही बात, आप सही कहा लड़के। कितने बार चिकन डिनर किए हो? और ये है हम और ये इसके एग्जाम की तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है। बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं, कुछ ऐसा है। आपने जैसा देखा बाहर का नज़ारा क्या था और आगे की सारी डिटेल्स जानने के लिए और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो कहना मैंने सुपारी खा रखी मीठी वाली तो मेरे मुँह से ठीक से निकल नहीं रहे सब। अच्छा तुम पढ़े लिखते हो क्या? क्यों भाई? बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और ये आप देख सकते हैं बदली थोड़ी सी हो गई है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बारिश होने के चांसेस हैं, बट अगर बारिश हुई तो काफ़ी बढ़िया सीन बनेगा अकरम के लिए, काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि बारिश में ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर लेता है। क्यों लड़के? अच्छा सच्ची बताओ किससे बिजी हो? ईटा जला रहा हूँ। इंस्टा तो केवल तुमने विंडो खोल के रखा एक्स्ट्रा वाला है ना, पॉप अप करके रखा होगा। मुझे नहीं लगता, ये दादा हमारे कहीं जा रहे हैं। अल्लाह हमारे दादा नहीं है यार, दादा हमारे थोड़ी है, लेकिन भाई जो बाहर जितने भी लोग हैं सब अपने भाई बंधु ही हैं तो उस हिसाब से दादा हम कह सकते हैं। अरे तो चलो हमारे ही दादा जा रहे हैं भाई, हमारे दादा कल में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ओलंपिक हार गए यार, यार ओलंपिक में बड़ा बुरा हो गया इस बार तो। हॉकी से हार गए यार, नहीं यार हॉकी में जीते लेकिन कहाँ जीते, और कुश्ती में हार गए। तो जैसा कि आपने ओलंपिक के मैचेस देखे होंगे, कुश्ती का देखा होगा जिसमें हमारे रवि भाई को जो उनके उनका जो अपोनेंट था उसने राइट साइड के आर्म पे दांतों से काट दिया था, हालांकि चीटिंग हुई पर फिर भी हमारे रवि भाई ने इसको अपनी मजबूत गिरफ्त से नहीं छोड़ा और मैच को जैसे तैसे जीता। और ओलंपिक में कुछ मैच हारने का हमें दुख है, बदकिस्मती से उन्हें नहीं जीत पाए, पर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। सो हमारे पास जितने भी मेडल्स आए हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है,
ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब इतने सारे मेडल्स हमारे पास आए हैं, तो इतना हमारे लिए भी काफ़ी नहीं है और हमें चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम से अगली बार इसके लिए अच्छे से तैयारी करें और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स आएंगे ओलंपिक में। तो व्लॉग में बने रहिए बाकी की डिटेल्स जानने के लिए और बाकी के नज़ारे देखने के लिए। वैसे हम अभी लालगंज की रेलवे क्रॉसिंग पर पहुँच चुके हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये रही रेलवे क्रॉसिंग लालगंज की और ये रहा नज़ारा आगे का। क्या हो गया, काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं अगर रेलवे क्रॉसिंग रहेगी तो ट्रैफिक की कोई कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। वाला ना किसी वही बुक वाली शॉप पे पता कर लेते हैं, हमें पता होता घर पर रखना था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में, अभी हम जा रहे हैं मेहताब के लिए फेवर स्टिक ढूंढने के लिए और देखते हैं यहाँ पर कोई शॉप मिलती है कि नहीं। अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो खरीद लेंगे। तो दोस्तों अभी मेहताब के कॉलेज पहुंच चुके हैं और अभी हम इसको अंदर एंट्री कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का, तो ये है कॉलेज का बाहर का लुक। कुछ यहाँ पर भीड़ लगी हुई काफ़ी और ये हमारा कॉलेज है बगल में। और अभी जैसा कि गेट की ओपनिंग नहीं हुई है पर लिस्ट चपकी, सारे लोग अपने रोल नंबर चेक कर रहे हैं, रूम चेक कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं फिर हम वहाँ पर पहुँच करके कि क्या हो रहा है। बने रही इस व्लॉग में। तो दोस्तों सूरत कुछ ऐसी है कि हम मेहताब को कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर एंट्री दिला चुके हैं और उसको बिठा कर आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई इसमें हमें क्योंकि ऊपर था ना, ऊपर दो फ्लोर ऊपर था तो ले जाने में थोड़ा सा, वहाँ पर सीढ़ियों से लेकर जाना किसी को उठा करके काफ़ी मुश्किल वाला काम है। जानते कि हमारा दोस्त मेहताब काफ़ी भारी भरकम इंसान है। बाय द वे जैसा भी हमने उसको उसके रूम पे छोड़ दिया है और अब वेट करेंगे उसका 12 बजे तक। 3 घंटे का एग्जाम है और सबसे बात होगी जब इसका एग्जाम फिनिश हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी जाएगी, तो उस टाइम जाके फिर हम लोग ले आएंगे। तो अभी यार 3 घंटे तक हम लोग बस इधर निकल आए लोकल एरिया में टहलने घूम रहे हैं। लाखों नहीं पता तो भैया हालत कुछ ऐसी है कि अभी 100 नंबर यहाँ पे आ गई थी और उन्होंने हमसे इंक्वायरी की कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो हमने बताया कि भाई एग्ज़ाम दिलाने आए हैं अपने दोस्त का। तो खैर उन्होंने ज़्यादा हमसे पूछताछ तो नहीं की और चुपचाप चले गए इसी रास्ते खामोशी से और हमें लगा कि शायद कोई बवाल ना क्रिएट हो जाए, इसलिए हमने भी अच्छे से पोलाइटली बात किया और सारे सवालों के जवाब दे दिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर चिल कर रहे हैं और वेट करते हैं अपने दोस्त का और मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद, उसको साथ लेकर आएंगे, फिर यहाँ से हम लोग वापस रिटर्न अपने गांव के लिए निकलेंगे। बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में और मिलकर वहाँ पर बताते हैं। रायबरेली भी आना है ना, रायबरेली चलना भी हमको। हाँ इधर तो दोस्तों एक नई न्यूज़ आ गई कि अब हमें यहाँ से सीधा रायबरेली के लिए निकलना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, मुझे याद नहीं था तो अभी अक्रम ने बताया, मुझे याद आ गया। तो अभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा यानी इसको भी जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधे निकलेंगे। और हॉस्पिटल में क्या होता है इसके लिए आप ब्लॉग पे बने रहिए लास्ट तक एंड तक और देखिए हमारे साथ क्या होता है मेहताब के साथ। तो ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है। तो दोस्तों सुबह से लेकर हो गए शाम और अब हम लोग मेहताब का पेपर करा चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए और आप देख सकते हैं मेहताब के हाल ये हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, अब हम जा रहे हैं सीधा रायबरेली के लिए, हॉस्पिटल जाकर इनका ट्रीटमेंट कराएंगे, चेकअप कराएंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकलेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं रायबरेली पहुँच कर क्या होता है। दुखी आत्मा कैसे हो आप, क्या कहते हैं इनके बारे में,
इसमें आपकी एक बार आई लव यू लिख देना। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:54 यानी कि 7:54 और काफ़ी मज़ेदार पल है। मेहताब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और काफ़ी अंधेरा हो रखा है और ये करम भाई हमारे पीछे बैठे हैं मेहताब। हाँ ये हमने लाइट ऑन कर ली है और इसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ। मेहताब अपनी कंडीशन बता सकते हैं, क्या हुआ आपके साथ? पूछो ना यार अकरम, पूछो ना यार क्या हुआ? कहाँ निकले लागत? कान से धुआं निकले लागत। तो आइए आपको रायबली शहर का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं क्या है। आप मुझे नहीं, शायद स्टोरेज का कोई ना होगा। कौन सी दुकान? तो अभी हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, कोई बताएगा? ये है कैनरा बैंक एटीएम। अभी हम पहुंचे हैं खालसा चौक और यहां से जा रहे हैं सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और वहां से लेंगे कानपुर रोड यानी के अपने गाँव की सड़क को पकड़ेंगे। काफी ट्रैफिक हो रखा है इस एरिया में। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सुनसान रास्ता है रायबरेली से हमारे घर की ओर जाता हुआ और काफी धुंधला सा दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे लगता है इस साइड बारिश हुई, तो बारिश की वजह से शीशे पर हल्का सा फॉग जम गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आ रहा है। और दूसरा कार हमारे सामने से आ रही है तो मैं इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है और अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इफेक्ट है। नज़ारा काफ़ी अच्छा है। गाइज अभी हम मेहताब के घर से वापस रिटर्न आ चुके हैं और उसको हमने अच्छे से घर पे छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है और अभी हम अपने घर वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ आपने देखा होगा, मेहताब का एग्ज़ाम देखा होगा, हॉस्पिटल का सिस्टम देखा आपने, हॉस्पिटल में क्या हुआ मेहताब के साथ वो भी आपने देखा और ज़्यादा वैसे हमने हॉस्पिटल की डिटेल वीडियो तो बनाई नहीं थी ना हमने कोई क्लिप डिटेल रिकॉर्ड की, सो ज़्यादा हॉस्पिटल की डिटेल्ड वीडियोज़ नहीं हमारे पास। सो बस इतना जान लीजिए कि उसकी ड्रेसिंग हुई और उसके बाद हम वहाँ से उसे वापस ले करके आ गए। तो अभी हम इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए अब बने रहिए हमारे चैनल पर।